बढ़ते प्रदूषण को लेकर नियम में करे हुए परिवर्तन को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेहद परेशान है। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जल्द ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाने वाला है। फिलहाल उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए दिल्ली NCR की कुछ जगहों पर मंगलवार सुबह बूंदाबांदी देखी गई, जिसमें पोल्यूशन स्तर खराब रहा। इस दौरान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि आसान नहीं है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन लगाना। उन्होंने बताया कि ऐसा करना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि इतने सारे लोग सुबह दिनचर्या में ऑफिस स्कूल वर्क में लिए निकलते हैं, ऐसे में कई सारी समस्याएं दिल्ली में हो सकती हैं अगर डीजल और पेट्रोल वाहनों को रोका गया। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली NCR में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की रोक पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। EPCA की मंशा के पक्ष में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB नजर नहीं आ रही है। CPCB के एक सदस्य के मुताबिक ये फैसला व्यवहारिक नहीं लग रहा। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है कि इतने लोगों का बोझ सह सके। क्यूरियन हेल्टेक्स की रिपोर्ट।